तो यहाँ पे देखिए सभी जो है कस्टमर कर रखी है पार्किंग, यहाँ देख सकते मस्ती कर रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं चलेंगे ठंडी एसी के जहाँ चिल्ड हवा आती है पहाड़ों के। अब देखिए कितनी भीड़ हो गई, सभी लोग जो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द फ्रेंड्स। आज है संडे का दिन, संडे के दिन नैनीताल में कैसी भीड़ है, कैसा पर्यटक, कैसे पार्किंग वगैरह चल रहा है, तो होटल का क्या माहौल चल रहा है, नैनी लेक में कैसी भीड़ चली है, चलिए आपको इसीलिए बात के ऊपर जो हम आज ब्लॉग बनाते हैं, और आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए गाइस सभी लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों से, लाइक करिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए। अगर आप लोग बेल आइकन का बटन और शेयर करेंगे तो गाइस मैं आगे को आपको और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाइए कि मैं आपको वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए वीडियो का। तो चलिए बैक कैमरा करके आपको दिखाते हैं कि क्या चल रहा है। मौसम की बात करें, मौसम तो बहुत बढ़िया चल रहा है गाइस, और मौसम का जो है बारिश का हो गया, देख सकते हैं आसमान में अभी मौसम जो बिल्कुल सफ़ा, मतलब अभी था थोड़ी देर पहले, मतलब इतना सफ़ा नहीं था, नॉर्मल ही था अपना। अब जो है बादल थोड़ा सा नीचे साइड को सफ़ा, पर नैनीताल में बारिश का मौसम हो रहा है, तो मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं। चलिए गाइस बैक कैमरा करके वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। तो गाइस मैंने आपको एक वीडियो और बनाई है, अब ये वीडियो जो मैं शाम में डालूँ तो आप लोग देख सकते हैं नैनीताल के बारे में, जो अभी जो है टूरिस्ट प्लेस के बारे में आपको बताऊँगा कि क्या क्या चल रहा है नैनीताल। टूरिस्ट आपको कितना नज़र आ रहा है, अभी जो मैं हूँ पंत पार्क के पास खड़ा हूँ, पंत पार्क में जहाँ से सस्ता बाजार वगैरह लगता है, जहाँ से जैसे बोलते हैं फुटपाथ मार्केट, तो फुटपाथ मार्केट से आगे हम यहाँ से चीज़ें दे जाएंगे तो अपने भोटिया मार्केट के पास भी जाते थे, आगे बोट स्टैंड वगैरह, तो वहाँ से लेफ्ट में बोट स्टैंड के ओर भी कट जाएंगे। तो गाइस चलिए हम आपको लेके चलते हैं, पहले आपको दिखाते हैं लेक में क्या चल रहा है, इसके बाद आपको फिर भोटिया मार्केट वगैरह दिखाएंगे, फिर इसके बाद नैनीताल का जो मेन ग्राउंड वगैरह वो दिखाएंगे जहाँ पर ऑल क्रिकेट वगैरह चलते हैं। तो आप देख सकते हैं पहले टूरिस्ट के नैनीताल में कितनी भीड़ है, तो ये देख सकते हैं आपके संडे के दिन में काफ़ी भीड़ नज़र आ रही है गाइस, अपने सैटरडे में तो इतनी भीड़ नज़र आ रही, पर आज संडे में काफ़ी भीड़ नज़र आ रही है। तो आप देख सकते हैं चारों तरफ जो टूरिस्ट बैठे हुए हैं अपना, और मौसम भी माशाल्लाह से बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है, ठंडा मौसम हो रहा है, और अपनी धूप तो नहीं निकली आज, मौसम भी अच्छा है काफ़ी। तो ये देख सकते हैं आप इस तरीके से, यहाँ देखिएगा, तो आप पूरा जो है नज़ारा देख सकते हैं कि ये हमारे राशिद भाई हैं गाइडिंग कर रहे हैं, तो देख सकते हैं आप किस तरीके से गाइडिंग करते हैं, देख राशिद भाई दिखाइएगा। तो अभी जो हम जो गाइस नैनीताल में लोकल साइट सीन में क्या क्या दिखाते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिएगा सबसे पहले हम दिखाते हैं, दिखाओ राशिद भाई हिमालय पॉइंट, सबसे पहले थोड़ा ऊपर को करो राशिद भाई, हिमालय पॉइंट लेके चलेंगे आपको, हाँ उसके बाद आपको दिखाएंगे नैनी व्यू पॉइंट, यहाँ से पूरी लेकर आम के आकार में दिखती है, उसके बाद दिखाएंगे आपको लवर एंड सुसाइड पॉइंट, फिर आपको लेके चलेंगे ठंडी एसी के जहाँ से चिल्ड हवा आती है पहाड़ों के बीच में से, कोई टिकट नहीं है यहाँ पर, फिर लेके चलेंगे आपको बारामत्ता रॉक क्लाइंबिंग पॉइंट, जहाँ ये करना चाहे कर सकते हैं, 350 रुपये एक आदमी का टिकट है इसके अंदर, और आपको फिर रोपवे पॉइंट भी हम गाड़ी से लेके आते हैं, बाइक का रोपवे में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, उसके अलावा हम रोपवे गाड़ी से लेके चलेंगे, फिर आपको लेके चलेंगे एडवेंचर पार्क जहाँ आप एक्टिविटी कर सकते हैं आप लोग। तो देख सकते हैं इस तरीके से, तो गाइस मैं भी गाइडिंग वगैरह करता हूं, तो इसी तरीके से हम कस्टमर को डील करते हैं कि गाइस हम ये दिखाएंगे, पूरा दिखा के लेके आएंगे, तो आपको यहां से भी देख सकते हैं इस तरीके का। और ये चलिए मैं आपको थोड़ा सा लेक के पास लेके चलता हूं, काफ़ी जो है भीड़ नज़र आ रही है, तो ये आप इन तीनों को जानते होंगे, हमारे अपने दोस्त वगैरह जा रहे हैं नीचे, ये देख सकते हैं, तो हमारे शानू भाई देखिएगा पैसे गिनने हैं, और इलियास मामा हमारे बीड़ी लगा रहे हैं दबा के, और ये देखिएगा ये भाई साहब साइड सीन वगैरह हमारे का हैं, ये देखिए वो भाई साहब जो है परसों बाइक लेकर आए नई अपाची, अभी तक मिठाई निकलाई है ठीक है, और यहाँ देखिएगा जो पूरी फैमिली खड़ी हुई यहाँ पे, तो आपको थोड़ा सा लेके और लेके चलते हैं, आपको थोड़ा सा दिखाते हैं व्यू वगैरह, ये देख सकते हैं आज जो है मौसम जो है बहुत ही मौसम जो थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, पर ठंडा मौसम है, धूप नहीं निकली है, पर वेदर की बात करें वेदर बहुत ही बढ़िया शानदार वेदर, और यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर देखिएगा टूरिस्टों की भीड़ देख सकते हैं आप, और यहाँ पे ये गाइस मैंने आपको कई बार दिखाया गया, देखिए पहाड़ी ड्रेस में किस तरह से फोटोग्राफी कराए जाते हैं, पिक्चर्स वगैरह ली जाती हैं, ये देखिएगा। तो गाइस मैं रोज़ नैनीताल की आपको काफ़ी, मतलब रोज़ डेली अपडेट देता हूँ, सिर्फ मैं डेट जो है अपना माल रोड हो गया, तिब्बत मार्केट हो गया, सस्ता बाज़ार वगैरह हो गया, माल रोड ग्राउंड वगैरह, और नैनी लेक का पूरा आपको दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिएगा कितनी भीड़ है, सभी लोग जो है बोटिंग करने वेटिंग कर रहे हैं। तो आज जो है आज का जो सफाई अभियान वगैरह चला था, देखिएगा इतना कूड़ा आया है, इतना देख सकते हैं, और यहाँ पे भी देखिएगा कितनी भीड़ नज़र आ रही है पर्यटकों की, और सभी लोग जो देखिएगा इसे सभी बोटिंग के लिए हम वेट कर रहे हैं, ये देख सकते हैं।
तो देख सकते हैं कि किस तरीके से मैन लेक में पूरा जो है सभी लोग जो है वेटिंग कर रहे हैं बोटिंग के लिए। तो अभी जो है पूरा बोट आएंगी तो एक एक करके सभी लोग जाएंगे, सभी लोगों ने टिकट वगैरह ले रखा है पूरा बोट का। और ये देख सकते हैं इस तरीके का, ये सभी लोग अपना जो बोटिंग करने के लिए देखें। तो आपको थोड़ा सा लेक का भी और दिखा देता हूँ, काफ़ी लेक के अंदर काफ़ी बोटों की भीड़ नज़र आ रही है, देख सकते हैं आप। ये देखिए और देखिए लेक भी कितना सूख चुका है, देखिएगा पूरा जो है ज़मीन दिखने लगी नीचे की, यहाँ पे काफ़ी जो है आप देख सकते हैं। तो पहले जो है यहाँ तक पूरा लेक का पानी आता था, अब जो सीढ़ी भी काफ़ी देखिएगा सारी सीढ़ी जो है अपने ऊपर आ गई, पानी जो सूख चुका है। और ये देखिएगा तो यहाँ पे सभी लोग फोटोग्राफी में भी अपने लगे हुए हैं। सामने बोट हाउस क्लब है, ऊपर का नज़ारा देखिएगा कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है, ये देखिए। और मौसम की बात करें तो मौसम गाइस आज थोड़ा सा बारिश का मौसम हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। और फिर भी देखिएगा कितना टूरिस्ट जो है भीड़ बोट के लेक के अंदर कितनी बोटिंग कर रहा है, आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से। और ये देखिए गाइस जो आपने अभी देखी थी कितनी भीड़ नज़र आ रही थी, अब देखिए कितनी भीड़ हो गई, सभी लोग जो है बोटिंग करने के लिए वेटिंग कर रहे हैं। आपके गाइस कितनी भीड़ है यहाँ पे, जो बोटिंग में टिकट लेने के लिए भी काफ़ी भीड़ नज़र आ रही है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा मार्केट को लेके चलता हूँ, थोड़ा ग्राउंड को लेके चलता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह की भीड़ नैनीताल में बढ़ चुकी है संडे के दिन। तो अभी देखिए निकलने के लिए जगह भी नहीं मिल पा रही है, देख सकते हैं आप, देख सकते हैं गाइस। और आपको इधर को कैमरा घुमा के दिखाता हूँ मैं, तो चलिए आपको भोटिया मार्केट को लेके चलते हैं। जो चल पड़ा हूँ अपना भोटिया मार्केट की और आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ से सबसे पहले आप देखिएगा काफ़ी भीड़ नज़र आ रही है, देख सकते हैं। तो सभी लोग जो अपना एंजॉय भी कर रहे हैं। तो ये अपने सामने जो चिल्ड पार्क है जहाँ पे अपने बच्चे वगैरह अपने झूला वगैरह झूलते हैं, तभी जो इसमें थोड़ा रिपेयरिंग वगैरह भी चल रही, ये देख सकते हैं आप गाइस। ये पूरा जो है सामने कैपिटल सिनेमा है अपना, और ये देखिएगा बच्चों का चिल्ड पार्क है। और इसी के पीछे देखिए लेक का नज़ारा कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है आप, तो आप लोग देख सकते हैं गाइस के कितना बढ़िया व्यू वगैरह आप लोगों को देखने मिल रहा है। और तो गाइस आप लोग भी अगर नैनीताल आना चाहें तो मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना होटल वगैरह टैक्सी वगैरह बाइक वगैरह जो भी बुक करना चाहें तो करवा सकते हैं सर। यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए गाइस, ये देखिए। तो चलिए हम आपको आगे लेके चलते हैं थोड़ा और सामने देखिएगा अपना मस्जिद का नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। तो सामने देखिएगा कितने इस ग्राउंड में देखिए अभी जो क्रिकेट वगैरह चलता है तो काफ़ी जो है भीड़ नज़र आ रही है, काफ़ी पर्यटक जो हैं फोटोग्राफी करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए गाइस, तो सभी लोग देखिएगा फोटोग्राफी के लिए अपने में मस्ती कर रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। तो इस टाइम गाइस आपको नैनीताल के अंदर इतने मौसम बढ़िया सुहाना मिलेगा ना, आप लोग आइएगा गाइस और मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश करिएगा, मैं आपको कमेंट में भी नंबर दूँगा। आप लोग देख सकते हैं मैंने आपको दिखा भी दिया था, मेरे पीछे देखिए एक जामा मस्जिद है और अपना यहाँ पे क्रिकेट वगैरह हाउस वगैरह बना हुआ है और सामने नगर पालिका है। तो इसी के पास में जाएंगे तो अपना बड़ा पार्किंग वगैरह भी है और यहाँ पर अपना नैना देवी मंदिर गुरुद्वारा भी है, जो सब चीज़ें जो हमारे यहाँ नैनीताल में सभी पास पास में है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह की कस्टमर जो फोटोग्राफी कर रहे हैं, मैं आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए गाइस जो बच्चे वगैरह भी अपना एंजॉय वगैरह करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने फोटोग्राफी करते हुए आ रहे हैं। तो मैं अभी भोटिया मार्केट का आपको लोगों को भी लेके चलता हूँ कि वहाँ पे कैसा मौसम चल रहा है, कैसा जो पर्यटक वगैरह, क्योंकि ग्राउंड के जो पंत मार्केट में जहाँ पर सस्ता बाज़ार वगैरह लगता है तो वहाँ पर भी काफ़ी भीड़ नज़र आ रही है। तो अभी जो है 6 बजे के मतलब 4 बजे जो अपना मार्केट वगैरह लगेगा, उसके बाद 4 बजे से लेकर 9-10 बजे तक भी अपना मार्केट वगैरह लगा रहता है। तो गाइस अगर आप लोगों को नैनीताल आना, अगर नैनीताल में आपको होटल वगैरह नहीं मिल रहा है तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैं आप मुझसे कमेंट में नंबर मांगे गाइस, मैं अपने तुरंत अपना नंबर आप लोगों को देता हूं। मैं आपसे ये भी नहीं कहता कि आप मुझसे बार बार नंबर मांगते हो, मैं आप लोग मैं जैसा अपना कमेंट चेक करता हूं कि अगर किसी ने भी नंबर मांगा ये मेरे सब्सक्राइबर भी मेरे को बता देंगे, मैं तुरंत अपना नंबर भी देता हूँ और होटल भी पूरा बुक करा देता हूँ, बाइक चाहिए तो बाइक भी, जितने भी सब्सक्राइबर मेरे नैनीताल में घूमने आते हैं तो मैं सब लोगों को अपना लोगों को उन लोगों को पता चलता है कि हमें होटल वगैरह मिल जाता है। तो गाइस आप लोग देखते हैं कि मेरे उससे माध्यम से आप में कोई बेचारा परेशान ना हो, अपना आराम से होटल में मिल जाए तो हमारा भी थोड़ा सा रोज़गार भी मिल जाता, तो हम लोग हमारी गाड़ी वाड़ी में भी घूम लेते, थोड़ा सा अपना
थोड़ा भाई बंदी भी अपनी बन जाती है, तो थोड़ा सा इंसानियत वगैरह अपना लोग जान ही लेते हैं कि किस तरह के लोग हैं। हाँ, कि ये नहीं कि गाइस मैं अपने नंबर नहीं देता हूँ कि कॉल नहीं उठाता हूँ, एक ही बार में कॉल भी उठाता हूँ, तो पूरी जो जानकारी वगैरह पूरे नैनीताल की देता हूँ। तो चलिए गाइस चलते हैं हम आपको बोटिया मार्केट की ओर। यहाँ पर जो रास्ते में अगर मैं बोटिया मार्केट तो वगैरह जा रहा था मार्केट से सस्ते बाजार से, तो यहाँ पर जो राइट में अपना पार्किंग है जो नैनीताल की बड़ी पार्किंग है, तो आप देख सकते हैं कि पार्किंग भी फुल है और यहाँ पर जो बाइक वगैरह भी अपने लगाना चाहें तो बाइक वगैरह भी लगा सकते हैं। तो बाइकों की भीड़ देखिएगा कितनी पूरे बाइकिंग जो फुल कर रखी है पार्किंग, यहाँ देख सकते हैं ये जो अपने बोटिया मार्केट के पास ही है अपने गुरुद्वारे के सामने, और आपको देख सकते हैं कि ये जो पूरा कार पार्किंग जो पूरा फुल है यहाँ से वहाँ से लेके देख सकते हैं और यहाँ तक जो पूरा फुल ही नज़र आ रहा है पूरा, और इस सामने जो है अपना भोटिया मार्केट वगैरह। तो मैं अभी आपको आगे भी और लेके चलूँगा, तो उससे पहले मैं आपको पार्किंग वगैरह दिखा रहा था, तो देख सकते हैं आप इस तरह के जो है पार्किंग पूरा फुल है। तो चलिए आपको आगे की ओर लेके चलते हैं गाइस भोटिया मार्केट के ओर। हमने भोटिया मार्केट में एंट्री कर ली, तो गाइज मैं आप लोगों को यही चीज़ दिखाता हूँ रोज़, आप मुझे देख बोलते होंगे कि रोज़ ही आपको जो है नैनीताल की आप छोटा सा एरिया दिखाते हैं, पर मैं आपको जो गाइज ये नहीं आप समझे करिए कि मैं आपको इसे पूरे नैनीताल की आपको गाइज पूरी जानकारी तो देता हूँ। ये देख सकते हैं ये पूरा जो भोटिया मार्केट वगैरह, तो ये भोटिया मार्केट अपना नैना देवी मंदिर के पास तक है, उसके आगे पे जाएंगे फिर तिब्बती मार्केट वगैरह है, फिर ये सामने अपना पूरा चाट बाज़ार है, ये देख सकते हैं, ये देखिए ये पूरा चाट मार्केट वगैरह है। यहाँ पे नॉन वेज वेज सब आपको जो है अवेलेबल मिलेगा, हर तरह का आपको जो है खाने पीने का सामान यहाँ पे मिल सकता है। तो यहाँ पे देखिएगा टूरिस्टों की जो है भीड़ लगी हुई है, सभी लोग जो कोई वेटिंग वगैरह कर रहे हैं, तो जो नैनीताल के जो सबसे ज़्यादा फेमस जो है भोटिया मार्केट में एक हाइड्रो एक चाइना टाउन पर ज़्यादा आपको भीड़ नज़र आएगी। तो यहाँ ये सामने जो वेज और नॉन वेज वाले भी हैं, इसमें वेज वगैरह भी मिल जाते हैं, पर ज़्यादातर ये वेजिटेरियन है और नॉन वेज अपने दो ही ये सामने देख सकते हैं, ये देखिए। तो यहाँ पे देखिए सभी जो है कस्टमर कुछ वेट भी कर रहे हैं, कुछ खा के उठ के आ भी रहे हैं, ये भी देख सकते हैं। उसी के बराबर में अपना शॉपिंग मार्केट वगैरह, अपना शॉपिंग वगैरह करना चाहें कर सकते हैं, और ये अपना तिब्बत मार्केट है, तो अपना तिब्बत मार्केट दिखाता हूँ, अपना जो है मंदिर से ही मिलता हुआ अपने, तो इधर तिब्बत मार्केट है, इधर भोटिया मार्केट है, बीच में जो है नैना देवी का मंदिर का गेट है, तो आप देख सकते हैं इस तरह का। और यहाँ पर देखिएगा चूरन दुकान मिलती है जो नैनीताल में बहुत काफ़ी टेस्टीज वगैरह चूरन वगैरह मिलता है, तो हमारे मकसूद भाई भी खड़े थे। ये अपना नैना देवी मंदिर का गेट, और इसके पीछे भी जो है लोकल मार्केट वगैरह है यहाँ पे, और यहाँ पे प्रसाद वगैरह मिलता है अपना, और यहाँ पे देखिएगा हम देख सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे मकसूद भाई भी खड़े हुए, तो मकसूद भाई भी गाइडिंग कर रहे हैं। क्या मकसूद भाई गाड़ी लगाई नहीं लगाई? गाड़ी लगा दी, चलिए उन्होंने गाड़ी लगा दी। आज के ब्लॉग को हम करते हैं पूरा कंप्लीट, तो हमारा ब्लॉग होने वाला एंड। तो गाइज मैंने आपको नैनीताल के काफ़ी जानकारी दी है, और मौसम के बारे में भी, मार्केट वगैरह में के बारे में भी, पार्किंग के बारे में भी, और जो बोटिंग में जो लेक में बोटिंग वगैरह करते हैं उसके बारे में भी। तो चलिए ब्लॉग को हम गाइज करते हैं अपने एंड।